हर गर्भवती चाहती है उसका शिशु बुद्धिवान, तेजस्वी, कर्मयोगी, क्रियाशील, प्रतिभाशील, विवेकशील, दीर्घजीवी और कर्तव्य दक्ष हो। इन सभी सद्गुणों से युक्त शिशु प्राप्त करने के लिए गर्भवती ने 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र का जाप गर्भावस्था में अवश्य करना है। गायत्री मंत्र सर्वशक्तिशाली मंत्रों में से एक मंत्र है। यह मंत्र कामधेनु के समान मनोकामना को पूर्ण करता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना करने से पूर्व 24 अक्षरों के गायत्री मंत्र की रचना की थी। गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 शक्ति बीज है। 24 अक्षरों में 24 अवतार, 24 ऋषि, 24 शक्तियाँ तथा 24 सिद्धियाँ विद्यमान है और इसीलिए गायत्री मंत्र का पाठ करने से उन मंत्र शक्तियों का लाभ हमें मिलता है। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, पाप नाशक, तेजस्वी परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। गायत्री मंत्र के हर अक्षर की अलग अलग शक्ति है। उन शक्तियों का वर्णन नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उसे भी जरूर पढ़े। गर्भावस्था में गायत्री मंत्र का जाप सर्व सद्गुणों से युक्त दिव्य, तेजस्वी, बुद्धिमान, निरोगी, दीर्घजीवी शिशु की प्राप्ति करने के लिए आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही गर्भवती की सकारात्मकता तथा उत्साह बढ़ाता है। क्रोध शांत होता है, तनाव, चिंता, बुराइयों से मन दूर होता है, त्वचा में चमक आती है और गर्भवती की शिशु को शुभ आशीर्वाद देने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसीलिए गर्भधारण के 3rd महीने से लेकर आप शिशु के जन्म तक गायत्री महामंत्र का उच्चारण गर्भावस्था में अवश्य कर सकती है। अब गायत्री मंत्र का जाप कब करें? गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए 3 समय बताए गए हैं। पहला समय प्रातःकाल, गर्भवती सूर्योदय से पूर्व स्नान करके इस मंत्र का जाप करे तो सर्वोत्तम, और यदि स्नान नहीं भी किया तो भी आप इस मंत्र का पाठ कर सकती है, इससे कोई दोष नहीं लगता। गायत्री मंत्र का जाप शुरू करने से पूर्व गर्भवती अपने दोनों हाथ पेट के ऊपर रखकर गायत्री के देवता भगवान सूर्य की प्रचंड प्रखर तेज का ध्यान करती रहे और मन ही मन भावना करे, आपके गर्भ में जो शिशु है वह जन्म लेने के बाद बुद्धिवान, निरोगी, तेजस्वी, चतुर, यशस्वी एवं दीर्घजीवी होगा। इस भावना के साथ सूर्योदय से थोड़ा समय पहले मंत्र जाप शुरू करें तथा सूर्योदय के पश्चात तक मंत्र जाप करना चाहिए। यह मंत्र 51 या 108 बार आप कर सकती है। मंत्र जाप के लिए दूसरा समय है दोपहर मध्यान्ह का। जी हाँ, इस महामंत्र का आप दोपहर में भी जाप कर सकती है। और तीसरा समय शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जाप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। यह 3 समय के अतिरिक्त दिन भर में आप यदि गायत्री मंत्र का जाप करना चाहती है तो मौन रहकर मन ही मन में आप इस मंत्र का जाप कर सकती है। सुबह जाप करते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो तथा शाम के समय पश्चिम दिशा में मुख करके इस मंत्र का पाठ करें। तो फिर गर्भावस्था में श्रेष्ठ संतान प्राप्ति के लिए गर्भवती ने गायत्री महामंत्र का जाप जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गायत्री मंत्र का जाप। Oh, yeah.